वेलकम टू ऑल ऑफ अवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 6 है और इस लेक्चर में हम लोग वेरी स्मार्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने हाइब्रिडाइजेशन को वेरी स्मार्ट टॉपिक इसलिए कहा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हर साल नीट के एग्जाम में, आईटी मेंस के एग्जाम में, आईटी एडवांस के एग्जाम में और ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी वजह यह है हाइब्रिडाइजेशन को स्मार्ट टॉपिक कहने का कि जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सारे चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को वेरी स्मार्ट तरीका से पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने लेक्चर 5 में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों का लेक्चर 5 का जो टॉपिक था वह टॉपिक था एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि हम लोगों ने लेक्चर 5 में एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी कहलाएगा जब वह चार कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन था एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कंपाउंड का शेप जो है वह प्लानर होना चाहिए, यानी कि साइकिल के अंदर जितने सारे कार्बन होंगे प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा कंडीशन था कंपाउंड शुड ऑबे हकल्स रूल, यानी कि वही कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा जो हकल्स रूल यानी कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल को ऑबे करेगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर हकल्स रूल के बारे में भी पढ़ा था। चौथा कंडीशन था देयर शुड बी साइक्लिक रिजोनेंसिंग रिंग, यानी कि कंपाउंड के साइकिल के अंदर क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रेजोनेंस के कंडीशन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ बच्चे ने हमसे कहा कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आज से हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। जिस प्रकार हम लोग क्लास में स्लो स्लो पढ़ते थे उसी प्रकार हम कोशिश करेंगे आपको धीरे धीरे पढ़ाएं। क्लियर दैट? तो आइए आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, कम से कम दो एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए मिक्सिंग के लिए। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दोनों मिक्स हुआ, एक तीसरा ऑर्बिटल मिला, ये जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर दैट? आइए हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन देखा जाए। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग एप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। वैसा प्रोसेस जिसमें कि दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनका एनर्जी अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग सेम होगा और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। सारा हम अभी डिस्कस करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, सारी बात आज हम आपके साथ करेंगे। तो आइए हम इसको थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। क्लियर है? यानी कि एटम का शेप स्फेरिकल, सेंटर में न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए न्यूक्लियस को हाउस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी कहा जाता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, यानी कि न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। इस सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट या सेल कहते हैं। नंबर ऑफ सेल को आप स्मॉल एन से डिनोट करते हो। सेल के नंबर को हम लोग अगर देखें, फर्स्ट सेल कोई एटम का है, सेकेंड सेल है, थर्ड है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, तो इसको हम लोग कहते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि चलते जाएगा, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एन एटम कंटेन इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम में इनफिनाइट ऑर्बिट हो सकता है, यानी कि ऑर्बिट एटम में कितना हो सकता है? इनफिनाइट हो सकता है। लेकिन हम लोग सेवेंथ ऑर्बिट तक पढ़ते हैं, क्योंकि सेवेंथ के बाद इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाता है। अभी तक हम लोग नॉन एलिमेंट 120 तक पढ़ते हैं, 120 इलेक्ट्रॉन तक पढ़ते हैं, क्लियर है? तो सेवेंथ के बाद इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, हम लोग कितना तक पढ़ेंगे? 1 to 7 तक, क्लियर है? तो पहला ऑर्बिट को के, दूसरा को एल, तीसरा को एम, चौथा को एन, पांचवा को ओ, छठा को पी, सातवा को क्यू, क्लियर है? अब देखो, सेल के अंदर सबसेल रहता है, सबसेल को हम लोग सब ऑर्बिट भी कहते हैं। सेल के अंदर कौन रहता है? सबसेल। सबसेल को हम लोग क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट। सबसेल को हम लोग डिनोट करते हैं उसके नंबर को एस पी डी एफ से। सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, अभी हम बताएंगे सेल को किसे डिनोट किए, के एल एम एन ओ पी क्यू आर से सबसेल को एस पी डी एफ जी भी कर सकते हैं, एच भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चार तक ही पढ़ेंगे, एस पी डी एफ तक। एस का नाम है सार, पी का नाम है प्रिंसिपल, डी का नाम है डिफ्यूज, एफ का नाम है फंडामेंटल, जी का नाम है जनरेट, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। जो बच्चे अभी टेंथ का एग्जाम दिए हैं वो नहीं पढ़े हैं, तो मैं उनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बारीकी से पढ़ाऊंगा, जो पढ़े वो उनको तो आता है, क्लियर है? तो एटम का शेप स्फेरिकल, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सो न्यूक्लियस इज कॉल्ड हाउस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इधर, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, सो यू कैन से दैट न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। हम लोग डिनोट करते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम में इनफिनाइट ऑर्बिट हो सकता है, लेकिन हम लोग सेवेंथ ऑर्बिट तक स्टडी करते हैं। सेल के अंदर सबसेल रहता है, सबसेल को हम लोग सब ऑर्बिट भी कहते हैं, और सबसेल को डिनोट करते हैं हम लोग एस पी डी एफ से। एस का नाम सार्क है, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज, एफ का फंडामेंटल, जी का जनरेट, क्लियर है? लेकिन हम लोग फोकस करेंगे केवल एस पी डी एफ को। अब देखो, सबसेल के अंदर रहता है ऑर्बिटल, इधर आइए, सबसेल के अंदर कौन रहता है? ऑर्बिटल। सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया, शेप भी आप पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एस का शेप होता है स्फेरिकल, गोलाकार, पी का शेप होता है डंबल, डी का शेप होता है डबल डंबल, एफ का शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड। सारा आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े, जो नहीं पढ़े उनको मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि सेल के अंदर सबसेल, सबसेल को सब ऑर्बिट भी कहेंगे, और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। जब सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है तो इधर आइए, जब हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ऑर्बिटल दो प्रकार का होता है,
एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर आएगा हमारे लोग का sp(d)f, अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर आएगा सिग्मा पाई एंड डेल्टा। सिग्मा पाई तो आप पिछले क्लास सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़े हैं और केमिकल बॉन्डिंग में इसको बारीकी से पढ़ाया जाएगा आपको। सिग्मा पाई तत्काल आप समझिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, क्लियर दैट। तो एटॉमिक ऑर्बिटल पे हम फोकस करेंगे क्योंकि डेफिनेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल की बात आई, तभी तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होगा तब जाकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। आइए, तो अभी आपने कहा sp(d)f, तो s में होता है एक ऑर्बिटल एक बॉक्स, इसे ऑर्बिटल ब्लॉक डायग्राम या ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम भी कहते हैं। p में होता है तीन ऑर्बिटल, तीन बॉक्स बनेगा। d में होता है पांच ऑर्बिटल, फाइव बॉक्स बनेगा। f में होता है सेवन ऑर्बिटल, सेवन बॉक्स बनेगा। इसे हम लोग ऑर्बिटल ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। तो बोलो s में कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल। p में कितना ऑर्बिटल, तीन। d में पांच, f में सात। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रहता है, बोथ आर अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, दो, बोथ आर अपोजिट स्पिन। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हैं, इसको यदि हम क्लॉकवाइज मान लें तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉक है का दूसरा एंटी क्लॉक, अपोजिट स्पिन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अगर यदि क्लॉकवाइज का वैल्यू +1/2 है, एंटी क्लॉक का -1/2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़े हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि सेल के अंदर सब सेल, सेल को आपने डिनोट किया के एल एम एन ओ पी क्यू आर, सेल को आप ऑर्बिट भी कहते हैं। सेल के अंदर सब सेल को आप सब ऑर्बिट कहते हैं। सब सेल को आपने डिनोट किया sp(d)f से। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, s में कितना ऑर्बिटल, एक। p में कितना ऑर्बिटल, तीन। d में कितना ऑर्बिटल, पांच। f में कितना ऑर्बिटल, सेवन। ऑर्बिटल को मैंने ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम, ऑर्बिटल ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। एक ऑर्बिटल यहां पे गिनो, एक ऑर्बिटल, दो और एक, तीन। यहां गिनो, एक दो तीन चार पांच ऑर्बिटल। यहां गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर आता है इलेक्ट्रॉन, देखे कितना अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, दो, बोथ आर अपोजिट स्पिन। एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लियर दैट। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े उनको मैं पढ़ाऊंगा। अब बताओ s में कितना इलेक्ट्रॉन है, टू। p में कितना है, सिक्स। d में कितना है, टेन। f में कितना इलेक्ट्रॉन है, फोर्टीन। तो आपसे पूछेगा कि बाबू s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो। p में मैक्सिमम सिक्स, d में मैक्सिमम टेन, f में मैक्सिमम फोर्टीन। s में टू इलेक्ट्रॉन है तो कहलाएगा फुल फिल। p में सिक्स इलेक्ट्रॉन है कहलाएगा फुल फिल। d में टेन इलेक्ट्रॉन है कहलाएगा फुल फिल। f में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है कहलाएगा फुल फिल। और फुल फिल जो होता है अस्टेबल होता है। अगर d s में एक इलेक्ट्रॉन है कहलाएगा हाफ फिल। p में तीन इलेक्ट्रॉन है कहलाएगा हाफ फिल। d में पांच इलेक्ट्रॉन है कहलाएगा हाफ फिल। f में सात इलेक्ट्रॉन है कहलाएगा हाफ फिल। हाफ फिल भी अस्टेबल होता है। अगर दी s में एक भी नहीं है और दो भी नहीं है, इनकम्प्लीट। अगर दी p में तीन नहीं है और छ नहीं है, इनकम्प्लीट। मान लो p में चार है या पांच है, इनकम्प्लीट। d में पांच नहीं है और दस नहीं है, इनकम्प्लीट। मान लो d में छ हो या सात हो, इनकम्प्लीट। f में सात नहीं है, चौदह नहीं है, इनकम्प्लीट। मान लो f में आठ है, नौ है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जो होता है वह अनस्टेबल होता है। क्लियर दैट, समझ गए, क्लियर दैट। तो आइए बताओ s में कितना ऑर्बिटल, एक। p में कितना ऑर्बिटल, तीन। याद करो इसे, d में कितना ऑर्बिटल, पांच। f में कितना ऑर्बिटल, सात। बोलो s में कितना ऑर्बिटल, एक। p में तीन, d में पांच, f में सात। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, दो। s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, दो। p में छह, d में दस, f में चौदह। s में एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल। p में तीन इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल। d में पांच इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल। f में सात इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल। हाफ फिल क्या होता है, स्टेबल होता है। s में दो है तो फुल फिल। p में छह है तो फुल फिल।
डी में 10 है तो फुलफिल, एफ में 14 है फुलफिल भी स्टेबल होता है, अगर ये हाफ ही फुलफिल नहीं है तो वह अनस्टेबल कहलाएगा। क्लियर है, समझ गए? आइए अब हम डिफिनेशन पे गौर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। अभी आपने क्या पढ़ा डिफिनेशन, देखो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन एक मिक्सिंग का प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग किसका, ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब sp2f, s में कितना ऑर्बिटल, एक, p में 3, d में 5, f में 7। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन एक मिक्सिंग का प्रोसेस है, किसका, ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल यानी दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग एप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी, यानी कि वह एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा जिसका एनर्जी लगभग क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बराबर लेवल में दोस्ती होता है। ये नहीं कि एक आईएएस है और एक किसान है, देखेंगे आप कि आईएएस का दोस्त आईएएस होता है, डॉक्टर का दोस्त डॉक्टर होता है, किसान का दोस्त किसान होता है, बहुत रेयर एक्सेप्शन में आपको मिलेगा कि एक किसान का दोस्त आईएएस है। क्लियर है? तो जब मिक्सिंग होता है तो दोनों का एनर्जी लगभग क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? एक बार और देख लो, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग एप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी प्योर टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, इसमें एक ऑर्बिटल है, p में 3 है, px py pz, d में 5, f में 7, मैंने आपको पढ़ाया था, सब याद है आपको। जैसा कि देखो एक s को ले लो एक p को ले लो, दोनों को मिक्स करो क्या बन जाएगा, sp, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है x, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है p, तो क्या बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। एक s ले लो और दो p ले लो तो क्या बन जाएगा sp2। एक एटॉमिक ऑर्बिटल s, p का कितना एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो, तो क्या बन गया sp2। एक s ले लो, तीन p ले लो, क्या बन जाएगा sp3। s का एक ऑर्बिटल है, p का कितना ऑर्बिटल है, 3, तो sp3। ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है बाबू। एक s ले लो, तीन p ले लो, एक d ले लो, क्या बन जाएगा sp3d, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक s ले लो, तीन p ले लो, दो d ले लो, क्या बन जाएगा sp3d2, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक s ले लो, तीन p ले लो, तीन d ले लो, क्या बन जाएगा sp3d3, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बच्चा कहेगा कि सर s 2 को ले लीजिए, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था s में कितना ऑर्बिटल होता है, एक, तो 2 आप कैसे लीजिएगा। क्लियर दैट? बच्चा कहेगा सर ये तो हम समझ गए, s एक लेंगे, p एक लिए, 2 लिए, 3 लिए, p 4 ले लीजिए सर, p क्या वो ले लीजिए 4, वो इधर आओ, p में कितना ऑर्बिटल हम बोले हैं, 3, तो 4 आप 5 लोगे। क्लियर दैट? तो p मैक्सिमम कितना लेंगे, 3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल आपको sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ना है, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए sp3 से ज्यादा होगा नहीं। इनऑर्गेनिक में आपको सारा पढ़ना है, जो कि हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में बारीकी से बताएंगे, लेकिन हम इसमें भी आपको इतना बता देंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो आराम से आपसे क्वेश्चन क्या होगा बन जाएगा। तो फाइनली हम हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनेशन को रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफिनेशन में ही दम है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक बार और देख लो, हाइब्रिडाइजेशन एक मिक्सिंग का प्रोसेस है जिसमें कि दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनका एनर्जी अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम होगा। अब मिक्स होने के बाद एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा
तो उस कंपाउंड के पार्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा। अगर दी कंपाउंड में एक ही कार्बन है तब तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन अगर दी कंपाउंड में एक से अधिक कार्बन है तब जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह आएगा कि बताओ बाबू फल्ला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी कार्बन के नंबर को इंडिकेट कर देगा क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे निकालेंगे आगे हम बताएंगे आपको, ऐसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे आप। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जैसे बात आएगी तो देखना कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा है, और जो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसा क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये क्वेश्चन आएगा बाबू सपोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 5 कार्बन है, तो बोलेगा प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप बताइए, या आप थर्ड कार्बन का बताइए, या आप सेकेंड कार्बन का बताइए, कभी भी कंपाउंड की बात आपसे नहीं की जाएगी। अगर दी कंपाउंड की बात की जा रही है तो समझ लो कि उस कंपाउंड में एक ही कार्बन है, समझ गए छोटू, यानी कि मीथेन है केवल। क्लियर है? समझ गए? तो आइए डिफिनेशन तो आप अच्छा से समझ गए। सेकेंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। अभी मैंने आपसे कहा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आ गया, पिछले क्लास आप पढ़े थे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, क्या पढ़े थे बताओ, जब दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होगा चाहे वह एटम सेम हो या डिफरेंट हो तो बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। जब दो एटम के बीच डबल बॉन्ड होगा चाहे वो एटम सेम हो या डिफरेंट हो, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। जब दो एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा चाहे वो एटम सेम हो डिफरेंट हो, दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था बाबू, तो क्या सीखा आपने, यह सीखा कि दो एटम के बीच चाहे वो एटम सेम हो या डिफरेंट हो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। क्लियर है? तो आपको आज पाई बॉन्ड नहीं पकड़ना है, आज आपको केवल सिग्मा बॉन्ड पकड़ना है। क्या पकड़ना है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बाबू। क्लियर है? अगर दी कंपाउंड में दो सिग्मा बॉन्ड है एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड एसपी टू होगा, चार सिग्मा बॉन्ड एसपी थ्री होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल क्या क्या पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन में, एसपी एसपी टू और एसपी थ्री। क्यों इधर आओ, ये कार्बन है, कार्बन चार टाइप का बॉन्ड बनाता है, चारों सिंगल बना सकता है, एक डबल दो सिंगल बना सकता है, दोनों बॉन्ड डबल बना सकता है, एक ट्रिपल एक सिंगल बना सकता है। मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हो, जिसमें बताओ बाबू क्या वो सिंगल बॉन्ड है, गिनो तो एक दो तीन चार, सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, चार सिग्मा बॉन्ड। यहां सिग्मा बॉन्ड गिनो, एक यहां एक यहां, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक एक सिग्मा यहां, एक एक दो और एक तीन, थ्री सिग्मा बॉन्ड। यहां सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक यहां दो सिग्मा बॉन्ड, यहां सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक यहां एक और एक दो सिग्मा बॉन्ड। मैंने अभी क्या कहा आपसे, ध्यान दीजिएगा, आपको कौन सा बॉन्ड पकड़ना है, सिग्मा बॉन्ड। इधर आओ, मैंने क्या कहा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, जब भी पूछा जाएगा आपसे प्रत्येक कार्बन का पूछा जाएगा, कंपाउंड का नहीं पूछा जाएगा। अगर दी कंपाउंड का पूछा गया तो समझना उस कंपाउंड में एक ही कार्बन है,
इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किस पे डिपेंड करेगा बाबू? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे। सिग्मा बॉन्ड निकालना तो आप बहुत अच्छा से जानते हैं। दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो, सेम एटम डिफरेंट हो, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। जब दो एटम के बीच डबल बॉन्ड हो, एटम सेम हो, डिफरेंट हो, एक सिग्मा एक पाई कहलाएगा। जब दो एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे एटम सेम हो, डिफरेंट हो, दो पाई एक सिग्मा कहलाएगा। यानी कि दो एटम के बीच ऑलवेज सिग्मा एक ही होगा, वेनिस मैट्रिक्स। इसकी मदद से हम आराम से सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन कितना प्रकार का बॉन्ड बनाता है? चार प्रकार का। चारों सिंगल बना सकता है, एक डबल दो सिंगल बना सकता है, दोनों डबल बना सकता है, एक ट्रिपल एक सिंगल बना सकता है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड गिनो, एक दो तीन चार, दो तीन चार, दो दो चार, तीन एक चार। तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ? एक दो तीन चार। यहां सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक यहां, एक और एक दो और एक तीन। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक यहां, एक एक दो सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक और एक दो। मैंने क्या कहा आपसे? इसलिए हम बाबू इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे। सुनते होंगे हाइब्रिडाइजेशन का पांच क्लास चला, छह क्लास चला, क्वेश्चन बन ही रहा है। नहीं, एक ही क्लास में सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट गया, पाना छोड़ देंगे। क्लियर है? केवल आपको ये समझ में आना चाहिए कि उस कंपाउंड के कार्बन के बारे में जो हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है, उसका सिग्मा बॉन्ड कितना है, यही आप ध्यान दीजिएगा केवल। समझ गए? आइए, यहां पे सिग्मा बॉन्ड चार है, यहां तीन है, यहां दो है, यहां दो है। मुझे ये बताओ, मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि जब सिग्मा बॉन्ड दो होगा तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? एक और एक दो, कितना सिग्मा बॉन्ड के लिए? दो सिग्मा बॉन्ड के लिए। जब सिग्मा बॉन्ड तीन होगा तो एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, थ्री सिग्मा बॉन्ड। कैसे काउंट करो? एसपी टू पी क्या हुआ? दो और एक तीन। जब सिग्मा बॉन्ड चार होगा तो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, फोर सिग्मा बॉन्ड। कैसे? इधर देखो, तीन तीन ऑर्बिटल है पी का, तीन और एक चार। जब दो सिग्मा बॉन्ड होगा बाबू, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? एसपी। कैसे? एस एक और एक पी, एक और एक दो एसपी। जब थ्री सिग्मा बॉन्ड होगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? एसपी टू। गिनो, पी दो है, एगो एस, तो दो और एक तीन। जब चार सिग्मा बॉन्ड होगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? एसपी थ्री। गिनो, पी तीन को एक एस, तीन और एक चार। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? समझ गए बाबू? तो डेफिनेशन तो आप अच्छा समझ गए होंगे। तो रिमार्केबल पॉइंट यहां पर यह है कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग है। किसका भाई? टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल का, वैसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लगभग सेम हो, और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ऐसी फिनोमिनॉन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर डायट? दूसरा रिमार्केबल पॉइंट है, जब भी पूछा जाएगा इच कार्बन एटम का, किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किस पे डिपेंड करेगा? वेरी वेरी रिमार्केबल बात, बोलो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? इसलिए मैं डिफिनेशन पे इस पॉइंट पे इतना टाइम लिया, ताकि अब हम डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे लिखिए। तो आइए, अभी जो मैंने आपको बताया उसको हम लिख दिए हैं, आप भी लिख लेंगे। चार्ट बनाया गया है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन का। अगर इस सिग्मा बॉन्ड दो होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा कंपाउंड का, यानी कि एक एस और एक पी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा कंपाउंड में इंडिविजुअल कार्बन का पूछा जाएगा। अगर दी कंपाउंड का पूछा गया तो समझ लो उस कंपाउंड में एक ही कार्बन है, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया मीथेन का। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़िएगा,
कि जब वहां पे कंपाउंड का हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, उस कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। हम आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाएंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएं। आइए फिर ध्यान देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन का हमसे पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, अगर यदि सिग्मा बॉन्ड दो है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और एक p, एक और एक दो। अगर यदि सिग्मा बॉन्ड तीन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दो पी एक एस, दो और एक तीन। सिग्मा बॉन्ड चार है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तीन पी और एक एस, तीन और एक चार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल पढ़ना है आपको sp sp2 sp3, यानी ये तीनों किसके लिए यूज होगा, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन का। जब सिग्मा बॉन्ड पांच होगा sp3d, एक एस, तीन पी, तीन एक चार, एक डी, चार एक पांच। जब सिग्मा बॉन्ड छह होगा sp3d2, एक एस, तीन पी, तीन एक चार, दो डी, चार दो छह। जब सिग्मा बॉन्ड सात होगा sp3d3, एक एस, तीन पी, तीन एक चार, डी तीन, चार तीन सात। sp sp2 sp3 केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन का। sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ये सारा होगा किसके लिए, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब आप ये समझे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सारा आएगा, sp भी आएगा, sp2 भी आएगा, sp3 भी आएगा, sp3d भी आएगा, sp3d2 भी आएगा, sp3d3 भी आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए केवल sp sp2 और sp3, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन चार प्रकार का बॉन्ड बनाएगा, चारों सिंगल, उस कंडीशन में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का। जब दो डबल क्या बनाएगा, जब दो डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जब एक ट्रिपल एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तब पर भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जब एक डबल दो सिंगल बनाएगा तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्लियर है? तो चलिए एक एग्जांपल ले ले मीथेन का। तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, यहां पे देखिए चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, मीथेन का स्ट्रक्चर आपको आता है। कार्बन कितना बॉन्ड होता है, चार, एक दो तीन चार। हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल, सिंगल बनाया। यहां सीखो, यहां कार्बन को पकड़ो आप, कार्बन का सिग्मा बॉन्ड गिनो तो एक दो तीन चार, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड गिनो फिर से, एक दो तीन चार, सिग्मा बॉन्ड कितना है चार, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3, तीन और एक चार, तीन पी एक एस, तीन और एक चार, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp3। इसे रट जाओ तीनों को, ये तीनों को रट जाओ। जब सिग्मा बॉन्ड दो तो sp, एक और एक दो, सिग्मा बॉन्ड तीन तो sp2, दो और एक तीन, सिग्मा बॉन्ड चार तो sp3, तीन और एक चार। ऑर्गेनिक में जब भी क्वेश्चन आएगा इसी तीनों से आएगा। क्लियर दैट, समझ गए? तो और हम लोग अभी एग्जांपल करेंगे, फिर हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। लिखिए इसे, तो आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा गया तो आप समझिएगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम है। जब भी पूछा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंडिविजुअल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा। बच्चे कहेंगे सर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पहचान लेंगे, मैंने आपको पढ़ा चुका है, वह कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा जो कि हाइड्रोकार्बन होगा या उसका डेरिवेटिव होगा, बारीकी से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रत्येक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। क्लियर दैट? तो आइए यहां पे कार्बन का बॉन्ड देखा जाए, कितना बॉन्ड है, चार बॉन्ड, चारों सिंगल है, एक दो तीन चार, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्यों, तीन एक चार। यहां देखिए ये जो बॉन्ड है बाबू, ये बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी है, इस कार्बन के लिए भी है। यहां बॉन्ड गिनो, एक दो, दो सिग्मा, अरे यहां सिग्मा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, सिग्मा टोटल कितना हुआ, एक दो तीन, तो sp2। यहां चारों बॉन्ड सिंगल था, चारों सिग्मा बॉन्ड था, sp3। यहां सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक यहां, अरे एक दो, अरे तीन, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है,
यहाँ देखो चारों बॉन्ड सिंगल है, ये बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी है, इस कार्बन के लिए भी है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक दो तीन चार, sp3 हो गया। इसका देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड देखो, एक दो तीन चार, sp3 हो गया। इसका देखो कार्बन चार बॉन्ड बनाए, यहाँ भी तीन एक चार, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, तो sp हो गया। ये बॉन्ड दोनों के लिए भी, इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी है, नाइट्रोजन के लिए भी है। यहाँ कार्बन चार बॉन्ड बनाया, दो एक तीन एक चार, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, सिग्मा काउंट करो, एक दो और एक तीन, sp2 हो गया। इसका हमको प्रत्येक कार्बन का निकालना है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। इस कार्बन का देखो चार बॉन्ड है, एक दो तीन चार, चारों सिंगल है, तो sp3 हो गया। इस कार्बन को देखो एक दो, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक सिग्मा, एक दो और एक तीन सिग्मा, sp2 हो गया। इस कार्बन को देखो एक सिग्मा यहाँ है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक और एक दो और एक तीन, sp2 हो गया। इस कार्बन का देखो चारों सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि चारों सिंगल है, एक दो तीन चार, sp3 हो गया। इस कार्बन का देखो एक सिंगल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा, एक एक दो, sp हो गया। इस कार्बन का देखो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ एक सिग्मा, एक और एक दो और एक तीन, sp2 हो गया। इसका देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक यहाँ एक और एक दो और एक तीन, sp2 हो गया। ये डबल बॉन्ड बाबू, इस कार्बन के लिए भी, इस कार्बन के लिए भी। इस कार्बन का देखो दो सिग्मा बॉन्ड है, दो सिंगल है, डबल बॉन्ड एक सिग्मा, दो और एक तीन, sp2 हो गया। इस कार्बन का देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो पाई सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो दो सिग्मा, sp हो गया। यहाँ आओ बाबू, ये सारा स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कंडेंस फार्मूला भी दे देगा, जैसा कि मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर तीनों मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है? इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर ये कंडेंस भी दिया तो हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर भी उसका बना सकते हैं, क्लियर है? समझ गए? आइए अब देखो इसका, यहाँ पे हाइड्रोजन हर समय कार्बन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। अगर इस स्ट्रक्चर को हमें लिखना चाहें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, फिर सी के साथ एच, सी के साथ एच, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है आपका सी, सी सी के साथ एच, यहाँ भी डबल बॉन्ड है सी के साथ एच, और यहाँ आपका सी के साथ सी एच भी। देखिए तो सी एच सी एच, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सी 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 एच सी एच, डबल बॉन्ड सी एच सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सी एच। अब समझ गए? लेकिन एग्जाम में आपको इस प्रकार रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप ये समझिएगा कि हाइड्रोजन हर समय कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही बॉन्डेड रहेगा, क्लियर है? समझ गए? तो बताओ यहां पर कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना है? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, अरे क्या है सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा एक अरे दो, sp हो गया। इस कार्बन का देखो तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी है, इस कार्बन के लिए भी है, एक सिग्मा यहाँ एक यहाँ एक अरे दो, sp हो गया। इस कार्बन का देखो तो एक यहाँ सिग्मा एक यहाँ सिग्मा, दो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो एक तीन, sp2 हो गया। इस कार्बन का देखो तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, दो और एक तीन, sp2 हो गया। इस कार्बन का देखो तो एक दो तीन चार, चारों सिंगल बॉन्ड है, sp3 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इस पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है? तो एग्जांपल है, बेसिक है, आप इसे लिखिए, फिर हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब हम लोग ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से और डिफरेंट किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, उसमें आपसे इंडिविजुअल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन का टाइप ये हो सकता है कि कंपाउंड दे देगा, पूछेगा उसका शेप क्या है। तीसरा क्वेश्चन का टाइप ये हो सकता है कि कंपाउंड दे देगा और उसमें कहेगा कि उसमें बॉन्ड एंगल क्या है, यानी दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना है कंपाउंड में उसका एंगल क्या है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ये तीन टाइप का क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो
तो एक चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए, उस चार्ट में तीनों टाइप के क्वेश्चन को मैंने डील किया है। आइए स्ट्रक्चर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एक बार और सुनिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या किसी भी पार्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर यदि आपको निकालना हो तो आप केवल पकड़िएगा उस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से आपको कोई मतलब नहीं है। और दो एटम के बीच सिग्मा ऑलवेज एक ही बॉन्ड होगा। स्ट्रक्चर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड बॉन्ड एंगल। कार्बन चार प्रकार का बॉन्ड बनाता है, चारों सिंगल बना सकता है, एक डबल दो सिंगल बना सकता है, एक ट्रिपल एक सिंगल बना सकता है, दोनों डबल बना सकता है। तो आइए एक एक करके सारा को हम लोग देखेंगे। यहां पे चारों सिंगल बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड चार हो गया, पाई बॉन्ड जीरो, जब डबल बॉन्ड है नहीं तो पाई कहां से। जब सिग्मा बॉन्ड चार तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 तीन है, पी और एक एस, तीन और एक चार। शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, जैसा कि मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक के सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था, कार्बन का शेप होता है टेट्राहेड्रल। तो आप रट जाइएगा सिग्मा बॉन्ड चार कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 शेप इज द टेट्राहेड्रल। अब बॉन्ड एंगल, यानी दो एटम के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा कंपाउंड में, उस एंगल को हम कहेंगे क्या, बॉन्ड एंगल कहेंगे बाबू। दो एटम के बीच के बॉन्ड एंगल को, ध्यान दीजिएगा, दो एटम के बीच के बॉन्ड एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। तो टेट्राहेड्रल शेप है, बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, ये मिनट का सिंबल है जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। यहां सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, डबल बॉन्ड एक सिग्मा, तो एक सिग्मा यहां, एक और एक दो और एक तीन, थ्री सिग्मा, पाई बॉन्ड एक, थ्री सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड से हमको मतलब नहीं। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड कितना है तीन, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 दो और एक तीन। शेप इज द ट्रायगोनल प्लानर या सिंपल प्लानर भी कह सकते हो। बॉन्ड एंगल इज द 120 डिग्री, ये दो एटम के बीच के बॉन्ड का एंगल कितना होगा इसमें 120 डिग्री। क्लियर दैट। यहां देखो आपका जो यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कितना, एक सिंगल बॉन्ड एक है, एक और एक दो सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में पाई भी कितना, दो, दो सिग्मा दो पाई। पाई बॉन्ड से हमको कोई मतलब नहीं है बाबू, हमको सिग्मा बॉन्ड पे करना है। सिग्मा बॉन्ड दो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp, एक और एक दो। शेप इज द लीनियर, बॉन्ड एंगल इज द 180 डिग्री, इसमें दो एटम के बीच के बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। यहां देखो दोनों डबल हो सकता है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो दो गो, और पाई बॉन्ड भी दो, सिग्मा दो पाई दो, सिग्मा बॉन्ड से हमको मतलब रखना है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे, एक s और एक p, एक और एक दो, शेप इज द लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। क्लियर, समझ गए। यहां नोट में लिखा है बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होगा, दो एटम के बीच जो बॉन्ड होता है उसके लेंथ को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े या तो पढ़ेंगे बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ का चार्ट है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होगा 1.54 एंगस्ट्रम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होगा 1.34 एंगस्ट्रम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होगा 1.20 एंगस्ट्रम। क्लियर दैट। तो इसे आप VVI समझिए, इसे आप रट जाइएगा। दो कार्बन है सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है, दो कार्बन है डबल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है, दो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है। तो सिंगल डबल और ट्रिपल में ज्यादा टाइटली पैक किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड में। ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड में। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, समझ गए बाबू। तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें तीन टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा और किसी भी पार्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछा जाएगा। दूसरा कंपाउंड में दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना है उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा ये पूछा जाएगा, और उस कंपाउंड का शेप क्या होगा सो पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग तीनों टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इसको चार्ट को लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है जेई मेन का 2002 में पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज द अंडरलाइन। देखिए ध्यान दीजिएगा,
अंडरलाइन कार्बन। मैंने क्या बोला था, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा जाएगा। अगर दी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा गया तो समझो उस कंपाउंड में एक ही कार्बन केवल है, यानी मीथेन की बात होगी। जब भी पूछा जाएगा तो कंपाउंड में इंडिविजुअल यानी कि पार्टिकुलर कार्बन का ही आपसे पूछा जाएगा। समझ गए बाबू? आइए, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द अंडरलाइन कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चार गो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन कार्बन है, जैसा कि ये 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 और ये, उसमें से किस कंपाउंड में अंडरलाइन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जब आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी इंडिविजुअल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। अगर जिस सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp कहलाएगा, 3 है तो sp2 कहलाएगा, 4 है तो sp3 कहलाएगा। 4 से ज्यादा बॉन्ड तो कार्बन बनाता नहीं है, क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं इसका। अगर देखिए, जब आप स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे तो आपने क्या क्या पढ़ा था, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। ये क्या है, कंडेंस है, इसको हम लोग कंप्लीट लिख लेते हैं। आइए, CH3 आपके लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको समझना है, क्या समझना है सो देखिए, यहां CH3 है जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन हर समय सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा कार्बन से। यहां 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यह है कि यहां पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होगा, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से होगा। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, यहां भी कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन जो है हर समय कौन सा बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो एक वो डबल हो सकता है या 2 सिंगल हो सकता है, लेकिन 2 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो कार्बन का बॉन्ड के लिए यहां पे 4, इसका के लिए 2 1 3 1 4, यहां ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट। बारीकी साफ समझते हैं ऑक्टेट डुप्लेट किसे कहते हैं, हाइड्रोजन जो है डुप्लेट कंप्लीट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्लियर है? अब देखिए इस कार्बन का यहां पे अंडरलाइन कार्बन कौन है, ये है, इसकी बात हम करेंगे। तो चलो सभी कार्बन का निकाल लेते हैं ताकि आपको मजा लगे। आ जाओ इस कार्बन का बता दो, इस कार्बन जो अंडरलाइन कार्बन उसको हम रेड मार्कर यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, sp3 अंडरलाइन वाला ये है इसको हम लोग रेड मार्कर यूज करेंगे, इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 और 1 2, अरे यहां 3 डबल बॉन्ड देख सिग्मा 3, तो sp2। इसका देखा जाए तो CH3 है, हाइड्रोजन हर समय सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पर O और H ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा। इस कार्बन का देखो तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है, तो sp3 अंडरलाइन कार्बन ये है जिसको रेड पेन से यूज किया हम लोग यहां पे। अब देखो इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, sp3 बन गया ना, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मिल गया, लेकिन सब जगह हम लोग देखेंगे। आइए तो सब ऑप्शन को अब देखिए, यहां देखो इसको लिख सकते हो CH3 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, ये सी के साथ ऑक्सीजन हर समय कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे देखो क्यों, क्योंकि यहां पे CH3 है, कार्बन कितना बॉन्ड होता है 4, यहां 4 बॉन्ड है, यहां 4 हो, यहां भी 4 बॉन्ड होगा, 1 और 1 2, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहां पर है, क्लियर है? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। इस कार्बन का देखो तो 1 2 3 4 सिग्मा sp3, इसका देखो अंडरलाइन ये है, इसका गिनो तो 1 यहां 1 2, और यहां डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 1 3, तो sp2। इस कार्बन का पकड़ो 1 2 3 4, sp3, इसी बहाने हम लोग सारा कार्बन का निकालना भी सीख गए। इसको आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन यहां 2 है सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड सी के साथ एच, और यहां CH3, ये 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ होगा। अब देखो तो इस कार्बन को पकड़ो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 यहां 1 और 1 2 और 1 3, तो sp2, ये आपका अंडरलाइन है, रेड मार्क की मार्कर यूज किए, यहां देखो सिग्मा बॉन्ड 1 1 2 और 1 3, तो sp2।
इसका देखो चार सिग्मा बॉन्ड है sp3। मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, इसे आराम से बना देंगे। इसे लिखिए, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन हम लोग आईटी एडवांस का कर रहे हैं। 2003 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चार कंपाउंड दे दिया गया है आपको, लेफ्ट से राइट चलना है, क्या चलना है, लेफ्ट से राइट। कैसा मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 sp2 sp sp, क्लियर है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे को चेक करें। हम आपके लिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। हाइड्रोजन हर समय कार्बन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, यहां भी सिंगल बॉन्ड से होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब मुझे ये बताइए यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक दो और एक तीन, तो sp2 डबल बॉन्ड एक सिग्मा। यहां सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, एक और एक दो और एक तीन, तो sp2 सिग्मा बॉन्ड पकड़िएगा। यहां सिग्मा बॉन्ड देखिए, एक और एक यहां दो, तो sp। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, बॉन्ड में यूज हुआ 3, ऐसे पहले ये समझो। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 आप ऑप्टेट कंप्लीट क्लियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बॉन्ड में 3 यूज हुआ, बचा कितना, 2, एक लोन पेयर। ध्यान देना छोटे, हम पढ़ाएंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि नाइट्रोजन एटम आ जाए, ऑक्सीजन एटम आ जाए, उस कंडीशन में हम लोग लोन पेयर की भी बात करेंगे, और जब कार्बन का केवल बात होगा तो वहां पे हम केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर भी हम देखेंगे, उस कंडीशन में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात होगी, उस कंडीशन में कहा जाएगा जितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो उसका हाइब्रिडेशन को डिसाइड करेगा। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो sp कहलाएगा, 3 है तो sp2 कहलाएगा, 4 है तो sp3 कहलाएगा, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सारा चार्ट बना के फार्मूला आपको दिखाएंगे, उस पे क्वेश्चन करेंगे। आइए, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या हो, ए हो, लोन पेयर क्या हो, ए हो, एक लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड एक और लोन पेयर एक और एक दो, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड एक है, लोन पेयर एक है, एक और एक दो, अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दो है तो कौन सा हाइब्रिडेशन, sp, क्लियर है। देखिए तो sp2 sp2 sp sp, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका भी चेक कर लेते हैं हम लोग, C के साथ H ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C के साथ H, इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक और एक दो, तो sp ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा, यहां देखो एक और एक दो, ये ट्रिपल बॉन्ड बाबू इस कार्बन के लिए भी है, इस कार्बन के लिए भी है, एक और एक दो, तो sp, इसका देखो तो ट्रिपल बॉन्ड यहां है एक सिग्मा, एक और एक दो, तो sp, इसको देखो एक और एक दो, तो sp, समझ गए। इसको देख लो, हाइड्रोजन हर समय सिंगल बॉन्ड से होता है, एग्जाम में आपको इसी प्रकार मिलेगा, हम आपके लिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, यहां डबल बॉन्ड CH2, यहां देखो कार्बन का बॉन्ड काउंट करो, एक और एक दो और एक तीन, सिग्मा बॉन्ड एक और एक, एक यहां सिग्मा बॉन्ड, एक और एक दो एक तीन, तो sp2, यहां सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक और एक दो, तो sp, यहां सिग्मा बॉन्ड एक और एक दो, तो sp, यहां सिग्मा बॉन्ड एक दो और एक तीन, तो sp2। इसको देख लो, इसको यहां पे स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये CH2 है, ये बॉन्ड लाइन है, हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर, और ये यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये क्या है, कार्बन है, यहां क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहां क्या है, कार्बन है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, CH2, याद है, CH2 का आराम से लिख देते हैं, आपको सीखो, CH2 डबल बॉन्ड, सीधा कार्बन, यहां देखो सिंगल बॉन्ड, देखो यहां ये CH2, ये क्या है, कार्बन, आपका लाइन एंड लाइन फॉर रिप्रेजेंट कार्बन एटम, मैंने आपको बॉन्ड एक्सचेंज में पढ़ाया था, CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या है, C, फिर सिंगल बॉन्ड,
फिर क्या है सी सी, फिर क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है सी एच टू सी। तो आप देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनता है, चार है बॉन्ड गिरो, एक दो और दो चार, चार बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड गिरो, एक और एक दो और एक तीन एसपी टू। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड गिरो, दो एक तीन एक हाइड्रोजन आ जाएगा। बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर में हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जुटा हुआ रहता है। तो बॉन्ड गिरो कार्बन का, दो एक तीन एक चार, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक और एक दो एक तीन एसपी टू, इसका काउंट इसका देखो बॉन्ड गिरो पहले कार्बन का, दो एक तीन एक हाइड्रोजन रहेगा, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक और एक दो और एक तीन यानी एसपी टू, इसका कार्बन का बॉन्ड चार है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक और दो एक तीन यानी एसपी टू। तो यह जो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है एसपी टू एसपी टू एसपी एसपी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट केवल किस में मिला, ए में। तो आज हम तो ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करा पाए, नेक्स्ट लेक्चर जब लेक्चर 7 अपलोड होगा उसमें देखिएगा कि हम नीट का आईटीमेंट्स और एडवांस का और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन करेंगे और हम आपको कंपाउंड का क्या शेप होगा उस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे, दो एटम के बीच कंपाउंड में जो बॉन्ड होगा उसका एंगल क्या होगा कैसे हम पता करेंगे उसका भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो आप मन लगा के पढ़ें और आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे फोन करके एसएमएस करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुट जाएं, क्योंकि हम सारा इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बताएंगे और सारा स्टडी मटेरियल डीपीपी असाइनमेंट सब व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा। क्लियर, समझ गए बाबू? ओके, थैंक यू।